हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज मैं ये बताऊंगी कि आप बड़े से बड़े पॉट को बिना मिट्टी को किस तरह से आप भर सकते हैं। अगर आप टेरेस गार्डनिंग करते हैं तो आपके टेरेस पे ज़्यादा भार ना हो, इसको कम मिट्टी में हमें अपने पॉट को किस तरह से भरना होगा ताकि ये पॉट भी हल्का रहे और आपके टेरेस पे किसी भी तरह का कोई भार भी ना पड़े। तो आगे मैं वीडियो में बताऊंगी, तो चलिए वीडियो को शुरू करती हूँ। देखिए, ये है मेरी वेस्ट बाल्टी, ये 20 लीटर की बाल्टी है। मैं इसमें बहुत कम मिट्टी यूज़ करूँगी और कम मिट्टी को यूज़ करते हुए मैं अपने इस बड़ी बाल्टी को भरूँगी और मैं इसमें पौधा लगाऊँगी। तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपसे कोई इन्फॉर्मेशन छूट ना सके। तो फ्रेंड्स, देखिए ये बाल्टी है, मैंने इसमें ड्रेनेज होल बना लिया है। आपको आपके पास अगर किसी भी तरह का पार्ट हो, चाहे वो प्लास्टिक का हो चाहे मिट्टी का हो, तो उसमें आपको ड्रेनेज होल ज़रूर बनाना चाहिए और उसको कवर भी करना चाहिए। अगर आप प्लास्टिक पॉट में लगा रहे हैं तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको होल बनाना चाहिए ताकि पानी इसमें रुके नहीं। अगर पानी रुकेगा तो पौधे में फंगस लग जाता है। तो उसके बाद देखिए, हमने ठीकरी को रख दिया है। अब उसके बाद ये मेरा मटर का छिलका है, मैंने इसको धूप में सुखा लिया था और इसमें मॉइस्चर बहुत कम है। एक लेयर मैंने मटर के छिलकों को लगा दिया है। अब इसके बाद आप चाहे तो पत्तों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सूखे पत्तों का, या तो आपके पास गत्ते हों, जो मोटे मोटे गत्ते आते हैं उसका भी आप यूज कर सकते हैं। तो मटर के छिलके के बाद 1 से 2 मुट्ठी हमने मिट्टी का लगाया है। अब उसके बाद मैं सूखे पत्ते का यूज़ करूँगी। यहाँ पे देखिए, ये मेरा केले का पत्ता है और काफ़ी अच्छा तरह से सूख गया है, तो मैंने एक लेयर इसको लगा दिया है। आप चाहे तो अखबार के टुकड़े का भी यूज़ कर सकते हैं, और जो आप सामान वगैरह मंगाते हैं जो उसमें मोटे मोटे कार्टून गत्ते निकलते हैं, उस गत्ते का भी यूज आप कर सकते हैं। उसके बाद पत्ते को भरने के बाद 1 से 2 मुट्ठी हमने मिट्टी का लगाया है। अब इसके बाद मैं कुछ सब्जियों के छिलके का इस्तेमाल करूंगी। अगर आपके पास फल का छिलका हो, सब्जियों का छिलका हो, तो आप एक लेयर उसका भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, हमने सब्जियों का छिलका ले लिया है और इसके अलावा मेरे पास जितने भी छिलके हैं मैं उन सभी का इसमें एक लेयर लगा दूंगी। आप इसमें फल का छिलका भी लगा सकते हैं। तो एक लेयर ये सब्जियों का छिलका हो गया। आप इस तरह के मेथड को अपनाते हुए बिल्कुल ही ना डरें, इससे किसी भी तरह का कोई फंगस नहीं लगेगा। अगर आप चाहें तो इस चीज़ को कैंची से काट कर छोटा छोटा भी कर सकते हैं ताकि ये जल्दी से डिकम्पोज हो जाए। अब इसके बाद फिर मैं एक लेयर मिट्टी का लगाऊंगी। 1 से 2 मुट्ठी हमने मिट्टी का लगा लिया है। उसके बाद मैं एक लेयर फिर पत्तों को लगाऊंगी। पत्तों का यूज़ करने से बहुत ही फ़ायदा मिलता है डिकम्पोज होने में, इससे किसी भी तरह का कोई फंगस नहीं लगता है क्योंकि पत्तों में, सूखे पत्तों में कार्बन रहता है और इसमें किसी भी तरह की जो हमने वेस्ट चीज़ों का यूज़ किया है उसमें फंगस नहीं लगने देता है। आप पत्तों के जगह गत्तों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फिर इसके बाद 1-2 मिट्टी मैं मिट्टी का लगाऊंगी। इस तरह से आप अपने पॉट को दबाते जाएंगे तो नीचे बैठता जाएगा, क्योंकि इसमें मैंने पत्तों का यूज़ किया है तो बहुत जल्दी से ये भर जाता है। अगर आप उसको दबा देंगे तो नीचे बैठ जाएगा। इसके बाद हमने यहाँ पे राख का यूज़ किया है। राख हमारे पौधों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, इससे हमारे पौधों को कैल्शियम भी मिल जाएगा और किसी भी तरह का कोई फंगस नहीं लगेगा क्योंकि हमने सब्जियों के छिलकों को मिलाया है। तो राख डाल देंगे तो इससे फंगस बिल्कुल ही नहीं लगेगा और डिकम्पोज होने में भी बहुत अच्छी तरह से हमारी मदद करेगा। तो राख लगाने के बाद 1 से 2 मिट्टी हमने मिट्टी का लेयर लगाया है। उसके बाद इन सभी चीज़ों को डिकम्पोज करने के लिए हमने यहाँ पे कंपोस्ट का इस्तेमाल किया है। ये है वर्मिंग कंपोस्ट। आप चाहें तो गोबर की खाद भी मिला सकते हैं, जो आपके पास हो उसको भी आप ले सकते हैं। तो
तो यहाँ पे देखिए मेरा पॉट भर गया है और काफ़ी हल्का भी है, उसको आप उठा सकते हैं और हल्का से हिलाकर आप इस चीज़ को खूब अच्छी तरह से दबा देंगे तो नीचे बैठ जाएगा और बहुत ही अच्छी तरह से ये हमारी पॉट को हमने भर दिया है। कितने कम मिट्टी में हमने इसको भर दिया है। अगर आप सिर्फ मिट्टी का यूज़ करते तो कम से कम 2 से 4 किलो आपको इसमें मिट्टी भरना पड़ता। तो यहाँ पे देखिए ये है मेरा करी पत्ता की कटिंग है, ये जो बिल्कुल रेडी हो गया है, नई नई इसमें पत्तियाँ छोटी छोटी पत्तियाँ आ गई हैं, तो मैं इसी को इसमें रिपोर्ट करूँगी करी पत्ता को। और यहाँ पे देखिए हमने इस ग्रो बैग को मैं इसको निकाल कर अलग करूँगी। अगर आप चाहें तो इस तरह का मेथड अपनाकर आप किसी भी पौधे को लगा सकते हैं, चाहे वो गुलाब का पौधा हो, चाहे गुड़हल का, और चाहे आप किसी भी चीज़ का पौधा आप इस तरह की मिट्टी तैयार करके लगा सकते हैं। आपको बिल्कुल नहीं डरना चाहिए, ये जो मिट्टी भरने का तरीका मैंने बताया है ये बिल्कुल सही तरीका है, क्योंकि शहर में अक्सर मिट्टी नहीं मिलती है तो आप वेस्ट चीज़ों से ही भरकर अपने पॉट को भर सकते हैं और बालकनी में अपने टेरेस पे अच्छी तरह से गार्डनिंग भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने अपने पौधे को मिट्टी को थोड़ा सा हटा दिया है और जो रूट था उसको खोल दिया है। अब इस तरह से सेंटर में बैठाते हुए मैं थोड़ा सा इसमें मिट्टी और लगाऊंगी ताकि ये पौधा पूरी तरह से सेट हो जाए। तो देखिए यहाँ पे हमने पौधे को लगा दिया है और काफ़ी हल्का ये मेरी बाल्टी है, आप एक अच्छी तरह से इसको उठा सकते हैं, आप उठाकर कहीं भी रख सकते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी बाल्टी है और मिट्टी का यूज़ मैंने काफ़ी कम किया है तो इस वजह से ये हल्का है। इस मेथड को आप अपना सकते हैं। तो पौधे को हमने लगा दिया है, कड़ी पत्ता का पौधा मेरा रिपोर्ट हो गया है। अब आगे इसका मैं अपडेट देती रहूँगी। आप देख रहे हैं कड़ी पत्ता का जो मैंने कटिंग लगाया था इसमें काफ़ी छोटी छोटी पत्तियां आ गई हैं और बहुत ही अच्छी तरह से ये कटिंग मेरी चल पड़ी है। कड़ी पत्ता की कटिंग से बहुत ही जल्दी रेडी हो जाता है। अब इसके बाद आपको हल्के हाथे दबाते हुए आपको इसमें पानी डालना होगा। देखिए कितने अच्छी तरीके से कम मिट्टी में हमने अपने इस बड़ी बाल्टी को भर दिया है। अब मैं इसमें पानी डाल दूंगी। पानी आपको जब भी आप पानी दे रहे हैं, जब पौधा रिपोर्ट कर रहे हैं, तो आपको पानी एकदम भर कर देना होगा ताकि पानी जो है कि ड्रेनेज होल से बाहर निकल जाए और नीचे तक जब पानी आ जाएगा तो मिट्टी और जो हमने वेस्ट चीज़ों का यूज़ किया है काफ़ी अच्छी तरह से भीग जाएगा। अगर आपका पानी देने के बाद मिट्टी थोड़ी बहुत बढ़ जाती है तो आप थोड़ा सा मिट्टी आप इसमें डाल सकते हैं। और बस दोस्तों यही छोटी सी जानकारी थी। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक शेयर कमेंट करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में आपको इसी तरह से अच्छी अच्छी जानकारी देने के लिए। फिर मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।